नंबर टू की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर टू, ड्यूरिंग ट्रेड रिसेशन, रिसेशन समझते हैं जी, मंदी का दौर। और कैसा दौर चल रहा है साहब? ये सही चल रहा है साहब, या तो लोगों की परचेजिंग पावर है नहीं, या अगर लोगों के पास पैसा है तो खर्च करना नहीं चाहते। उनको लगता है और मंदी आएगी, और मंदी आएगी, प्रोडक्ट और सस्ता होगा, और सस्ता होगा। जब सबसे सस्ता हो जाएगा ना, तब खरीदेंगे साहब। तो अगर परचेजर जो है मार्केट में जाना ही बंद कर दे तो सेलर बेचारा सर्वाइव कैसे करेगा, जैसा कि माहौल आजकल चल रहा है। सो ड्यूरिंग ट्रेड रिसेशन द मैटर ऑफ सर्वाइवल, द मैटर ऑफ सर्वाइवल इज रिगार्डेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हां जी जनाब, बुरे दिन जो है हर आदमी की जिंदगी में आते हैं। तो उन दिनों में आप क्या सोच रहे होते कि किसी दिन मुझे ये बुरे दिन बिताने, मुझे अपने आप को टूटने नहीं देना सर, ज्यादा दिन बुरे दिन रहेंगे नहीं सर। उसी तरीके से बिजनेस में भी ट्रेड रिसेशन आएगा। तो ट्रेड रिसेशन में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट थोड़ी कमाना है, प्रॉफिट प्रॉफिट तो चलो आ जाए ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, मुझे मार्केट में बने रहना है साहब, मार्केट से आउट नहीं हो जाना। क्योंकि जब ट्रेड रिसेशन जाएगा और मैं बना रहूंगा तो इसका मतलब उसके बाद की फसल भी फिर मैं ही काटूंगा साहब। और जितने लोग ट्रेड रिसेशन में बाहर हो जाते हैं तो जो रह जाते हैं वो उनके लिए मैदान छोड़ जाते हैं साहब। अच्छा, बाहर निकलना बड़ा आसान ऑप्शन। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि साहब अगर हमने एक दो महीने अगर कुछ रुपए नहीं कमाए तो मेरे घर का खर्चा तो चलेगा नहीं, तो मेरे लिए तो अर्निंग बहुत जरूरी है। पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनका एक जिनका एक एब्जॉर्प्शन पावर है, 3 महीने तक ना कमाओ चल जाएगा, 6 महीने तक ना कमाओ चल जाएगा, कुछ कहते हैं 6 साल तक ना कमाओ चल जाएगा। हैं बड़े सारे लोग जिनके पास पैसा बहुत है। तो इसका मतलब ये मार्केट में बने रह सकते हैं। मैं यहां क्या कह रहा हूं, ट्रेड रिसेशन में सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है? सर्वाइवल, बने रहना है, बाहर नहीं चले जाना। तो कॉस्टिंग कहते हैं जो फिर मैं क्या कर सकता हूं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आप लिखेंगे द स्टडी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग ट्रू कॉस्ट सो दैट द मैनेजमेंट मे डिसाइड द डिस्काउंट ऑफर्स दैट कैन बी गिवन टू द कस्टमर्स। हां जी, अगर मुझे मालूम चल जाए कि जो प्रोडक्ट मैं बनाता हूं उसकी कॉस्ट है लेट अस सपोज 10 रुपए, तो जनाब अगर मार्केट एकदम उफान पर है तो मैं तो इसको 25 में भी बेचूंगा, मैं तो 15 का प्रॉफिट कमाऊंगा। मैंने कौन सी अपनी ट्रू कॉस्ट प्राइस पब्लिक को बतानी है? पर अगर मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है तो मैं जानता तो हूं कि मेरे पास मार्जिन कितना है, 15 रुपए का मार्जिन है। इसका मतलब मैं 15 रुपए तक का भी डिस्काउंट देता हूं तो भी लॉस किस बात का, थोड़ा प्रॉफिट कम करते। पहले बिजनेसमैन क्या करेगा, प्रॉफिट थोड़ा कम करेगा, पर कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा सकता है वही डिसाइड करेगा जिसको अपनी ट्रू कॉस्ट मालूम होगी। जिससे अपनी ट्रू कॉस्ट नहीं मालूम होगी वो ये कैसे डिसाइड करेगा
कि मैं कब कितना डिस्काउंट दे सकता हूं। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं, ट्रेड रिसेशन में सर्वाइव करना है, सर्वाइवल में डिस्काउंट देना पड़ता है। कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, सिर्फ वही बता सकता है जिससे अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस मालूम। तो इसलिए भी आपको अपनी ट्रू कॉस्ट प्राइस मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपको डिस्काउंट जो ऑफर करने, गलत बात तो नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर थ्री में आप लिखेंगे द स्टडी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हैवीली कंसंट्रेट्स ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्टिंग की पढ़ाई करेंगे तो आपको दो गिफ्ट मिलेंगे, एक आपको कॉस्ट कंट्रोल समझ में आएगा और दूसरा गिफ्ट कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा जी, पर समझ में नहीं आया दो गिफ्ट कैसे हैं साहब। आप इसके आगे लिखेंगे कॉस्ट कंट्रोल मींस द सिस्टम वेयर सच स्टेप्स आर टेकन विच आर हेल्पफुल इन कीपिंग द कॉस्ट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। तो जब आप कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल, तो इसका मतलब ऐसे कदम उठाएं कि जो कॉस्ट आपने डिसाइड करी आपको उसको क्रॉस नहीं करना। मैनेजमेंट शुरू में प्लान बनाएगा, हम सब लोग भी अपनी फैमिलीज के लिए शुरू में बजट बनाते, हमें खतरा रहता ही कि साहब ये बजट इधर का उधर होगा, तो उसके लिए ना कुछ कंट्रोलेबल सिस्टम होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों पे कंट्रोल करते हैं, उस पर नजर रखते कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, उसी तरीके से हमको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करना चाहिए। आप भी करते ही होंगे, जैसे आप लोग एक दिन में कितना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वैसे लगभग 1-2 GB तो आप इस्तेमाल कर ही लेते हो। आप लोगों ने क्या डेटा यूसेज की कोई लिमिट या वार्निंग सिस्टम लगा रखा है कि अगर इतने तक डेटा यूज हो जाए तो फोन मुझे मैसेज देगा आज का डेटा इतना यूज हो चुका है, ध्यान रखो इस बात का। ये क्या है असल में, ये आपको दिया गया मैसेज है, आपका ध्यान हो सकता है भटक गया होगा लेकिन सिस्टम ने आपको मैसेज दिया। उसी तरीके से बिजनेस में बड़ी सारी एक्टिविटीज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ह्यूज एक्सपेंडिचर है कई बिजनेस हाउसेस के लिए, बहुत बड़ी चिंता का विषय। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, हम इसको कैसे चेक करें, तो उसके लिए सिस्टम डेवलप किया जा सकता है कि पता चले कि कितनी ट्यूबलाइट पंखे एसी चल रहे हैं असल में, किसी एक आदमी की जिम्मेदारी लगाई जा सकती है, हर रोज कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम होती है मीटर पे उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, किसी दिन ज्यादा कंज्यूम होता ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे के कारण ढूंढे जाए। इसका मतलब यह कि एक सिस्टम डेवलप हो रहा। आप लोग भी सोचते हो कि अपने घर में अगर मुझे एसी या फिर बाकी इलेक्ट्रिसिटी मीटर के स्विच ऑफ रखने, वॉशरूम में जब आप नहाने के बाद आए तो आपने देखा साहब गीजर की चल तो नहीं रहा है, मैं उसको ऑफ करना भूल गया था, ये सब ये असल में कॉस्ट को कंट्रोल करने का सिस्टम डेवलप हुआ। आपको मालूम है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके पिताजी आपको डांटेंगे कि कितनी बार ये समझाया है कि इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ रखना चाहिए पर तुम इस बात की परवाह नहीं करते हो। ये क्या है असल में, पिताजी क्या कर रहे, कॉस्ट को कंट्रोल करने का सिस्टम डेवलप कर रहे। मैं ये कह रहा हूं बिजनेस में भी ऐसा होता, खर्चों को कैसे कम किया जाए इसके लिए अगर कोई सिस्टम डेवलप किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए डेवलप किया जाता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल।
आपको पॉकेट मनी मिलती है एक महीने की 3000 रुपए, यानी हर रोज की 100 रुपए। तो इसका मतलब मैं एक दिन में 100 रुपए खर्च कर सकता हूं। तो एक दिन का खर्चा जब भी 100 रुपए को क्रॉस करेगा तो आपके दिमाग में एक अलार्म बजेगा, आज का खर्चा 100 रुपए से ज्यादा हो गया। कोई नहीं, मैं कल के खर्चे में यही कमी करूंगा ताकि इसको कंपनसेट किया जा सके। आप कैसे कंट्रोल करोगे, आप पर्स में रखो ही 100 रुपए खाली, 100 ही रखोगे, 100 ही खर्च होंगे। पर आप कहोगे मान लो किसी दिन फंस गए तो पर्स में एक और जेब रखो, वहां पर अलग से 100 रुपए रख लो। पर उस जेब तक आप तभी पहुंचोगे जब पहले वाले 100 रुपए खर्च होंगे। पहला वाला 100 रुपए खर्च हो गया, इसका मतलब आपको मैसेज आज का खर्चा हो गया, पर आज मुझे दो खर्चे की होगी। कोई नहीं, अब मैं इमरजेंसी में पड़े पैसे को इस्तेमाल कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। कम से कम मुझे मालूम तो है कि आज मेरा एक्सपेंडिचर थोड़ा ज्यादा। ऐसा सिस्टम डेवलप करें। कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को रिड्यूस करना। एक कॉस्ट को कंट्रोल करना, दूसरा कॉस्ट को रिड्यूस करना। कॉस्ट रिडक्शन मींस द सिस्टम वेयर कॉस्ट इज रिड्यूस्ड विदाउट sacrificing, without sacrificing the quality of the product. तो cost reduction को आप कैसे define करेंगे? Cost को कम किया जाए लेकिन quality के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जैसे पढ़ाते समय मैं ये मार्कर इस्तेमाल करता हूं और जो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है इसमें माइक जो मेरे पास है इसमें बैटरी लगती है, एक दिन में एक मार्कर खर्च हो जाता है और 2-3 क्लासेस में बैटरी भी खत्म हो जाती है। स्टूडेंट को इस बात से कोई लेना देना नहीं साहब कि हम बैटरी कौन सी क्वालिटी की इस्तेमाल करते हैं। अगर हम थोड़ी मान लीजिए साहब बैटरी कुछ सस्ती इस्तेमाल करें तो स्टूडेंट को इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर ऐसा करने से साउंड सिस्टम में गड़बड़ होती हो तो, आवाज ठीक से ना आती हो तो, हम क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया हमको अपने सेंटर पे भिजवानी होती है, अगर मान लो साहब उस साउंड सिस्टम में गड़बड़ होगी तो ये जो खर्च करने का तरीका हम अपनाएंगे ये तरीका ही गलत। इसको कॉस्ट रिडक्शन नहीं बोलेंगे। कॉस्ट रिडक्शन का सीधा सा मतलब है सस्ता खरीदिए लेकिन क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। सर आप जानते हैं मार्केट में बड़े सारे पेन मिलते हैं साहब, सस्ते पेन भी, 5 रुपए का पेन भी बहुत अच्छा लिखता है। तो अगर आपने ऐसा सोचा कि चलो कॉस्ट को कम करते हैं, सस्ता पेन इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब आप कॉस्ट को कम करना चाहते हैं लेकिन आप क्वालिटी कम करेंगे नहीं। तो ऐसा कोई भी तरीका क्यों ना अपनाया जाए जो कॉस्ट को कम करता हो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करे बगैर, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्टिंग के दो ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना। एक पॉइंट और लिखते थे, एक पॉइंट और, पॉइंट नंबर 4, इंप्रूव्ड पोजीशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन, इंप्रूव्ड पोजीशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन weaknesses are located and rectified. हां जी, बहुत बढ़िया बात हमने कही है जी। इंप्रूवमेंट किसको बोलते हैं जी? अपनी कमियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना। हम सब लोग अपनी बैलेंस शीट अपने साथ लेके चलते, हम सब लोग अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के कंबिनेशन में पाए जाते। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट हो, और ऐसा भी कोई नहीं जिसमें सिर्फ बुरी बातें हो। हम सब लोग अच्छी और बुरी बातों के मिश्रण में पाए जाते। लायबिलिटीज और एसेट्स हमारी हैं हर समय, बैलेंस शीट अप्रोच इसको बोलते हैं।
पर हमारी जिंदगी की जो बैलेंस शीट है उसमें ऐसी कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। अच्छी बातें जितनी उतनी बुरी बातें साहब, टोटल सेम होना चाहिए, ऐसी कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना। हर रोज ये कोशिश करी जानी चाहिए कि अपनी एक लायबिलिटी थोड़ी कम कर दी जाए और अपनी एसेट थोड़ी बढ़ा दी जाए। बैलेंस शीट नहीं मिले तो अच्छा, और एसेट साइड ज्यादा होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं साहब, बिजनेस हाउसेस में जितनी भी वीकनेसेस हैं वो ठीक कैसे होंगी जी? पहली बात उन्हें पता करें और दूसरी बात उन्हें रेक्टिफाई करें, वरना तो फिर कमियां कभी दूर नहीं होंगी, वरना हम अपनी कमियों के साथ ही जीवन बिताते रहे। कॉस्टिंग कहते हैं जी, हम क्या कर सकते हैं? ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल। In identifying those areas which are leading to material wastage अनप्रोडक्टिव लेबर टाइम लेबर टर्नओवर एटसेट्रा। अगर आप कॉस्टिंग की पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि बिजनेस में कौन कौन सी कमियां हैं। मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने दिए, मटेरियल वेस्टेज के प्रोडक्शन प्रोसीजर में कितना मटेरियल वेस्ट हो रहा है, कितना होता ही है, कितना ज्यादा हो रहा है। आपको पता चलेगा कि पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसीजर में मटेरियल डिपार्टमेंट की कौन कौन सी कमियां। आपको पता चलेगा कि बिजनेस में लेबर डिपार्टमेंट की कौन कौन सी कमियां। लेबर डिपार्टमेंट में कमियां ये कि जी वर्कर खाली बैठा हुआ है लेकिन हमें पैसे देने पड़ते हैं, उसको मैंने कहा अनप्रोडक्टिव लेबर टाइम। एक और एग्जांपल मैंने दिया लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिश्ते जो है ना अच्छे है नहीं, और एम्प्लॉय काम बीच में छोड़कर भाग जाता है, एम्प्लॉयर को फिर नया वर्कर ढूंढना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग का झंझट, सिलेक्शन का झंझट, बड़े सारे झंझट है, और काम पीछे से जो रुक गया वो प्रॉब्लम अलग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई ये बताएगी कि जी आपके बिजनेस में कौन कौन सी कमियां चल रही। जैसे आप अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं साहब, जिसे आपको पता चलता है कि आपके शरीर में कौन कौन सी कमियां हैं, उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताएगी कि बिजनेस में कॉस्टिंग को लेकर कौन कौन सी कमियां चल रही हैं। वो कमियों की पूरी रिपोर्ट मैनेजमेंट के सामने पेश करी जाएगी। तो मैनेजमेंट क्या करेगा आफ्टर दैट? द मैनेजमेंट will initiate necessary steps। तो जरूरी कदम मैनेजमेंट की तरफ से उठाए जाएंगे so as to avoid the occurrence of सेम प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। तो जनाब ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना दोबारा ना हो जाए, इसके लिए जरूरी कदम उठाने के लिए मैनेजमेंट जो है उसको कदम उठानी चाहिए सर, सीधी सी बात। तो कॉस्टिंग की पढ़ाई मैनेजमेंट को किस लेवल पर कितनी मददगार साबित हो सकती है, इसका एक बढ़िया सा थ्योरी का नोट हमने लिखा। बहुत बढ़िया डिस्कशन भी हमारा हुआ, लगभग 20 मिनट 25 मिनट तक हम इसके बारे में बात करते रहे। चलिए अब हम आते हैं वापस।